वीडियो कॉल बढ़ने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट आप में से नीट 2021 या 22 या 23 की प्रिपरेशन करें, उनके लिए कुछ ऑफर चल रहे हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी अपने सभी जो सब्सक्रिप्शन है उनके प्लान के जो प्राइसेज है वो डिक्रीज कर दिए हैं, ड्रॉप कर दिए गए हैं। और यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन के जो प्राइस ड्रॉप हुए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 10% ऑफ है वन ईयर के लिए, टू ईयर पर आपको 20% ऑफ मिल रहा है आइकॉनिक के लिए। आइकॉनिक का बेनिफिट यह है कि आपको प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एडिशनल आपको 10% डिस्काउंट चाहिए दोस्तों, कोड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बिंग डॉक्टर, इस कोड को अप्लाई कर देंगे तो इस पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही प्लस के भी प्राइस ड्रॉप हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर एक कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है नीट यूजी एंड आईआईटी जेई का, ठीक है। अगर आप कॉम्बो ऑफर के तहत ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोनों का, तो दोस्तों टू ईयर के सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है दोस्तों ये भी ड्रॉप करके ओनली 60,000 में आपको ये दोनों का नीट यूजी एंड आईआईटी जेई का कॉम्बो ऑफर चल रहा है। यहाँ पर 10% डिस्काउंट के लिए बिंग डॉक्टर कोड यूज़ कर देंगे तो एडिशनल आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, ईएमआई के ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। आप कॉल कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहे होंगे, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर नीट 2021 स्टूडेंट्स के लिए क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट हो चुका है, ऑल स्टार बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी वो आपकी क्लासेस ले रहे हैं। स्टार्ट हो चुका है 23 जून से, वीकली यहाँ पर टेस्ट सीरीज होती है। अनअकैडमी में कोई सा भी बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, जैसे कि यहाँ पर नीट 22 और 23 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आरोहण बैच, अतुल्य बैच, संजीवनी बैच ये स्टार्ट हो चुके हैं 22 स्टूडेंट्स के, 23 स्टूडेंट्स के नर्चर एंड संजीवनी बैच स्टार्ट हो चुका है। कोई सा भी बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, चाहे वो कभी भी स्टार्ट हो रहा है, आपको केवल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है अनअकैडमी का। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट के लिए बिंग डॉक्टर कोड यूज जरूर कीजिएगा, इसको यूज करना मत भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अनअकैडमी की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज नीट 2021 के लिए स्टार्ट हो रही है 17 जुलाई से। ये बिल्कुल फ्री है सभी के लिए, कोई भी इसमें एनरोल करा सकता है। अगर आपसे कोई कोड पूछा जाता है तो यहाँ पर बिंग डॉक्टर कोड यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जहाँ पर टॉप 3 स्टूडेंट्स जो आते हैं इस टेस्ट में उनको 1 साल का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाता है। तो हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट टॉप 3 में आ जाए, उनको 1 साल का अनअकैडमी फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी रैंक्स पर यहाँ पर स्कॉलरशिप है, और यहाँ पर जो है आपको कोई अनलॉक करने के लिए कोड पूछा जाता है तो बिंग डॉक्टर कोड जरूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ आपसे बढ़िया होंगे दोस्तों। आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट है IEEE काउंसिलिंग 2020 के रिगार्डिंग। यहाँ पर जो सेकंड रिफंड लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, आप देख सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, इट इज़ फॉर द इन्फॉर्मेशन टू ऑल द कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन IEEE यूजी काउंसिलिंग 2020 दैट एज पर द एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ रिफंड द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 1260 कैंडिडेट हैज बीन रिफंडेड। यानी दोस्तों, इस सेकंड लिस्ट में 1260 कैंडिडेट्स का और रोल नंबर है जिनको रिफंड कर दिया गया है, या फिर आ जाएगा, 15 दिन का समय लग सकता है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिस्ट भी जारी करी है, जिससे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। साथ ही आप इसे जो है वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, IEEE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ सकते हैं, द रिमेनिंग रिफंड टू कैंडिडेट इज इन प्रोग्रेस एंड विल बी कंप्लीटेड एट द अर्लीस्ट। यानी कि अभी कुछ कैंडिडेट का रिफंड होना बाकी है, तो अभी जिन भी कैंडिडेट्स का रिफंड होना बाकी है वो जल्दी कर दिया जाएगा, यानी हमें थर्ड लिस्ट भी देखने को मिल सकती है यहाँ पर। सेकंड, यहाँ पर जो आपको नोट करने वाली चीज़ है वो ये है दोस्तों, रिफंड उसी अकाउंट में करा है इन्होंने जिस अकाउंट से पैसा कटा था ना, यानी कि जिस अकाउंट से आपने जो फीस भरी थी उसी अकाउंट में, सेम अकाउंट में इन्होंने रिफंड किया है। साथ ही जिन कैंडिडेट्स ने अपनी बैंक डिटेल सबमिट की थी लॉगिन करके, उस अकाउंट में भी उन्होंने रिफंड किया है। तो अपना अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, जिस भी अकाउंट में आपने बैंक डिटेल अपनी सबमिट की थी उस अकाउंट में वहाँ पर रिफंड कर दिया गया है, ठीक है। तो अपना चेक कर लीजिए। यहाँ पर जो है नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 15 दिन का समय आपको लग सकता है अकाउंट में, अगर आपका लिस्ट में रोल नंबर है तो आप 15 दिन तक वेट कीजिए, अगर आपका रिफंड नहीं आया तो रिफंड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है अगर रिफंड के रिगार्डिंग, तो आप जो है बैंक में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ग्रीवियंस सेल होती है बैंक में, जहाँ पर आपने रेफरेंस नंबर, जो भी आपका लिस्ट में अगर नेम है वहाँ पर रेफरेंस नंबर भी दिया होता है रिफंड का, ट्रांजेक्शन वगैरह आईडी के साथ में, वहाँ पर कॉन्टेक्ट कीजिए कि आपका रिफंड क्यों नहीं आया, अगर 15 दिन तक भी नहीं आता है तो, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग IEEE के मेल भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्वेरीज अगर आपको और भी है रिफंड से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपकी इसकी मेल आईडी नोट कर सकते हैं, finance-IEEE@AIIA.gov.in, इस पर आप मेल कर सकते हैं। ये लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है रेफरेंस नंबर यहाँ पर दिया दे रखा होता है, ठीक है। तो रेफरेंस नंबर ये होता है, रोल नंबर आपका दे रखा है, यहाँ पर अमाउंट कितना आपको रिफंड मिला है वो भी यहाँ पर दे रखा है, साथ में टाइम आपको दे रखा है कब आपको रिफंड किया गया है, ठीक है, डेट भी दे रखी है, साथ में रिफंड रेफरेंस नंबर भी दे रखा है, और रिफंड स्टेटस जो कि सक्सेसफुली है कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इस तरह से स्टेटस भी शो कर रखा है। तो आप लिस्ट में अपना रोल नंबर चेक कर लीजिए, यहाँ पर 1260 कैंडिडेट्स का रोल नंबर है, आप अपना चेक कर लीजिए।
बात करें फर्स्ट रिफंड जो लिस्ट आई थी उसमें दोस्तों 18,160 यानी 18,160 कैंडिडेट को रिफंड किया था और उसमें बताया गया था 3,187 कैंडिडेट्स को रिफंड किया जाना बाकी है। तो 3,187 कैंडिडेट्स में 1,260 को अभी कर दिया, यानी कि अभी एक और लिस्ट आएगी जिसमें और भी कैंडिडेट्स को रिफंड आएगा। तो जिसका अभी लिस्ट में नाम नहीं है मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा अभी वेट कीजिए, थर्ड लिस्ट भी आएगी, जैसे कोई अपडेट आता है मैं अपडेट करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लें। यहाँ पर एक नोटिस भी आया था दोस्तों जहाँ पर अपनी आप जो है बैंक डिटेल अभी भी सबमिट करा सकते हैं, 10 जुलाई लास्ट डेट है। अगर आपने नहीं सबमिट किया है तो लॉगिन कीजिए अपने EEEC अकाउंट में, ठीक है। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं था फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है, या फिर इस लिस्ट में भी रोल नंबर या फर्स्ट लिस्ट में भी रोल नंबर नहीं था तो आप अपनी बैंक डिटेल सबमिट कीजिए EEEC में लॉगिन करके। 10 जुलाई लास्ट डेट है, इसके बाद में आपको समय नहीं मिलेगा। और जो है ना आपको कई सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर OTP नहीं आया, तो OTP के रिगार्डिंग दोस्तों जो आपने EEEC में जब रजिस्ट्रेशन किया था काउंसलिंग के लिए उस ईमेल आईडी पर ही OTP आएगा, आपके मोबाइल नंबर पर नहीं आएगा। तो OTP उसके लिए अपने ईमेल रजिस्टर ईमेल आईडी पर चेक कीजिए, वहाँ पर OTP आएगा। साथ में यहाँ पर दे रखा है दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपना ही बैंक अकाउंट डिटेल और सही बैंक अकाउंट डिटेल दीजिए, अपना बैंक अकाउंट नंबर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया था उस अकाउंट का ही देना है डिटेल्स, अपने भी अकाउंट का आप दे सकते हैं, जिस भी अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए उसका दीजिए डिटेल, ठीक है, वहाँ पर फिल कीजिए। तो अपना जो है बैंक अकाउंट नंबर सही से दीजिए, IFSC कोड वगैरह सारी डिटेल जो भी पूछी गई है वो सही से दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद में उनकी तरफ से अगर आपकी तरफ से कोई गलती हो जाती है तो वहाँ पर से फिर करेक्शन नहीं होगा, आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज़ अपने साथ चेक कर लीजिए अच्छे से। और कोई भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप finance@EIIA.gov.in जो भी इसका ये जो मेल आईडी है इस पर आप मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट देना था आपको, अगर आपका रिफंड आ गया है तो वेल एंड गुड, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका नहीं आया तो आप वेट कीजिए, 15 दिन का समय भी लग सकता है, और साथ ही थर्ड लिस्ट का भी वेट कीजिए, जैसे कोई अपडेट आएगा मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर भी और या फिर यूट्यूब में वीडियो बना करके भी। तो दोनों जगह मुझे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।